पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शिक्षा की रोशनी जगाने के लिए शहर के निर्यातक आगे आए हैं। स्कूल से वंचित इलाकों में शिक्षा की लौ जगाने के लिए देशव्यापी मुहिम एकल स्कूल स्कीम से मुरादाबाद के निर्यातक जुड़ने जा रहे हैं। इस स्कीम की मुरादाबाद शाखा की शुरुआत रविवार को होगी। एकल अभियान ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित लोक शिक्षा परिषद की एकल स्कूल योजना से मुरादाबाद के कई निर्यातक जुड़े हैं। निर्यातकों की इस पहल के साथ एकल स्कूल योजना के मुरादाबाद चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। शाखा के अध्यक्ष विपिन कुमार गुप्ता, महासचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया कि इसकी शुरुआत रविवार को तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भव्य समारोह के साथ की जाएगी। SLG ग्रुप के लक्ष्मी नारायण गोयल दीप प्रज्वलन करेंगे। कार्यक्रम में निर्यात शिक्षा और कारोबार जगत से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। प्रोजेक्ट में स्कूलों से वंचित इलाकों में एक एक स्कूल खोला जाएगा। इसमें 5 से 12 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। मुरादाबाद चैप्टर की शुरुआत से संबंधित एक प्रेस वार्ता कांट रोड स्थित एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि एक गांव एक स्कूल का लक्ष्य लेकर संस्था आगे बढ़ रही है और बताया कि 70,224 एकल स्कूलों का संचालन पूरे देश में किया जा रहा है। इस दौरान विनीत कुमार गुप्ता ने बताया कि एकल अभियान ट्रस्ट अपने उद्देश्य से हर दिन तरक्की की ओर चल रहा है। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य लेकर सभी सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो एकल विद्यालय का लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि गांव के हर आदमी तक, जहां तक जो विवेकानंद जी ने भी बोला था कि अगर गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, विद्यालय नहीं जा सकते, तो हमको विद्यालय तक जाना होगा, हमको विद्यालय उन तक पहुंचाना होगा। ये हमारा लक्ष्य है, जो एकल विद्यालय का मेन लक्ष्य है भारत लोक शिक्षा परिषद का, वो विद्यालयों को वो गरीब विलेज तक पहुंचाने का, गरीब आदमी तक पहुंचाने का वो हमारा टारगेट है। इस टाइम हमारे एकल विद्यालय पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70,224 विद्यालय चल रहे हैं एकल विद्यालय। हमारा मुरादाबाद जनपद में भी अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर भी कितने ऐसे विलेजेस हैं, कितने ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है या जहाँ पर हमको ये शिक्षा एकल विद्यालय के थ्रू पहुँचानी है। इसकी हमारी बाकायदा एक टीम है जो ये सर्वे करके निष्कर्ष निकालती है कि यहाँ पर भी हमारे एकल विद्यालय खुलने चाहिए। मुरादाबाद की जिम्मेदारी संभाल रहे विनय गुप्ता और अवधेश अग्रवाल ने बताया कि मुरादाबाद में भी ऐसे क्षेत्रों में जाकर सर्वे किया जाएगा जहां पर शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान विनीत गुप्ता, विनय गुप्ता, विपिन गुप्ता, विभूर गुप्ता, अवधेश अग्रवाल, ऋतु नारंग, नजमुल इस्लाम, ज्ञानेंद्र गांधी के साथ और भी लोग मौजूद रहे। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में काफी एरिए ऐसे हैं, काफी गांव ऐसे हैं जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, जबकि गवर्नमेंट भी पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी काफ़ी जगह ये प्रॉब्लम है। तो हमारा जो सोच है, इस संस्था की जो सोच है, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ बच्चों को प्राइमरी शिक्षा दी जाए। देखिए, जहाँ कोई ऐसी जगह होती है मुरादाबाद में भी या आसपास के गाँव में जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो एरिया रिकमेंड किया जाएगा और वहाँ शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। शिक्षा जो है व्यक्ति को या बच्चों को, जिनके लिए ये प्रयत्न किया जा रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, अब हम इस क्षेत्र में ये जिम्मेदारी आई है, तो एक व्यक्ति को, एक बच्चे को प्राइमरी शिक्षा मिल जाए जिससे कि वो अपने मन के विचार ABCD का खा गा और अपना नाम और ये सब चीज़ें, तो वो आगे के लिए और फर्दर शिक्षा के लिए प्रेरित हो सके और उसको संस्कार भी दे जाते हैं। खाली शिक्षा ही नहीं है, एक संस्कार भी बहुत अहम रोल निभाता है, जो बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं जिससे उसकी लाइफ में, उसके व्यक्तित्व में काफ़ी सुधार होता है और वो आगे बढ़ जाता है। धन्यवाद।